ये इजी डिज़ाइन में मैं ये बड़ी बीट्स ऐड करके बना रही हूँ। तो सबसे पहले अपने थ्रेड में बीट्स को ऐड करें। अगर आपके पास ये सारी थ्रेड बीट्स नहीं है तो ये नॉर्मल रेगुलर पर्ल यूज़ कर सकते हैं, बस बड़ी होना चाहिए पर्ल्स। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे। सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ कर रही हूँ मैं इसे बनाने के लिए, और 0.75 mm का स्टील क्रोशे हुक यूज़ किया है क्योंकि मुझे चेन्स टाइट बनानी है इसलिए। तो ये थ्रेड अटैच हो गया है। अब फाउंडेशन रो बनानी है चेन थ्री सिंगल क्रोशे से। 1, 2, 3 फैब्रिक में इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से चेन थ्री सिंगल क्रोशे बनाते हुए फाउंडेशन रो को कंप्लीट करें। अब इसे टर्न करेंगे अपने वर्क को, और आप पहले चेन 12 बनाते हुए भी टर्न कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये चेन्स को आप देख सकते हैं, ये बहुत टाइट बनाई है मैंने, लूज़ नहीं बनाना है, टाइट बनानी है। चेन 12 बना के टर्न करेंगे अपने वर्क को और फर्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो चेन 12 के लूप इस तरह से बनाने हैं, टोटल 4 लूप्स बनाने हैं। ये फर्स्ट लूप है तो इसी तरह मैं 4 टाइम रिपीट करूँगी, और 1 चेन 3 स्पेस में 2 लूप्स अटैच होते हैं। चेन 12, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे। फिर से चेन 12, सिंगल क्रोशे इन नेक्स्ट स्पेस। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन 12, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे। इस तरह से मैंने 4 लूप्स बना दिए चेन 12 के। अब हमें चेन 9 बनाना है टाइटली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 बीट को स्लिप करेंगे और इसे चेन 1 बनाते हुए इस तरह से लॉक करेंगे, साइड में कर देंगे इसे। अब फिर से टाइटली चेन 9 बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब स्पेसेस काउंट करनी है। 1, 2, 3 फोर्थ स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे अटैच कर देंगे। तो अब सेम रिपीट कर रही हूँ मैं, फिर से मैं इस तरह से लूप्स बनाऊंगी और लटकन ये बीट के साथ में बनाऊंगी, इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करूंगी। तो सेम रिपीट हो रहा है।
तो ये देख सकते हैं, ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। फोर लूप्स के बीच में हमें एक लटकन बनानी है। तो ये देख सकते हैं टाइट बनाने से कितनी ब्यूटीफुल लगती है चेन स्टिच। और ये बड़ी पर्ल लगानी है आपको, अगर प्लास्टिक पर्ल भी है तो, इसकी वजह से ये हैंग बराबर से करती है और बराबर अच्छी ठीक दिखाई देती है।